हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कराठी ऑनलाइन क्लासेस। आज से मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का पोर्शन वो भी शुरू करने जा रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स में देखिए, आज 12 फरवरी 2018 को, अब मैं इसके अंदर आप लोगों को प्रयास करूँगा कि जितने भी पिछले 3 महीने के अंदर जितनी करंट अफेयर्स है वो सारी आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो आज मैं शुरू करता हूँ जो 2018 के अंदर कुछ खेल प्रतियोगिताएँ हैं। तो 15-15 मिनट की मैं वीडियो रखूंगा, तो सारी चीजें एक साथ तो कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको अगले 10-15 दिन के अंदर ये सारी 3 महीने की घटनाएं आपको उपलब्ध करा सकूं। आज शुरू करते हैं खेल के अंदर, सबसे पहले स्पोर्ट्स में शुरू करते हैं कि अभी शुरू किया गया खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, ये शुरू करेंगे। इनके पीछे तात्पर्य क्या है? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, इसके पीछे तात्पर्य है कि भारत के अंदर जो खेलों के प्रति रुचि है और खेलों के अंदर भारत का यदि प्रदर्शन की बात करें तो उसे बेहतर बनाने के लिए ये शुरू करे गए। और जो मेजर राज्यवर्धन राठौर जी हैं, जो खेल मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के दिमाग में ये योजना आई कि हमें इस तरीके के आयोजन को शुरू करना चाहिए। तो इन खेलों का आयोजन वर्तमान के अंदर किया गया, पहले खेल का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। यह आयोजन जो था, जैसे मैंने दे भी रखा है, इसके अंदर 31 जनवरी 2018 से और 8 फरवरी 2018 तक इन खेलों का आयोजन किया गया। इसमें जो अंडर 17 के खिलाड़ी हैं, यानी कि 17 साल से कम आयु के जो खिलाड़ी हैं, उन्हें इसके अंदर भागीदारी का मौका दिया गया। देश भर से, राज्यवार, हर स्टेट के स्कूलों से यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया। और इनमें 16 खेल इस बार इस प्रतियोगिता के अंदर शामिल किए गए। और इसके अंदर जो शुभंकर है, यानी कि मैस्कोट कहते हैं, मैस्कोट या शुभंकर क्या होता है? मैस्कोट या शुभंकर एक उसका चिन्ह होता है जिसको उसके अंदर प्रदर्शन किया जाता है। तो इस बार का जो मैस्कोट था, शुभंकर था, वो विजय, ये एक टाइगर है, यानी कि एक बाघ है, जिसको इस बार शुभंकर के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा एक और था जया, दूसरा शुभंकर था जया, ये था ब्लैक बक। ब्लैक बक ये वो पक्षी है जो जिसके प्रति राजस्थान के अंदर बहुत अधिक आस्था है। और अगर आपको याद हो तो ब्लैक बक मामला जो फिल्म अभिनेता सलमान खान है उनके ऊपर भी चला था। तो ये दो चीजें इस बार हम लोगों ने, ये हमारे खेल के शुभंकर के रूप में विजय जो द टाइगर है और दूसरा जया द ब्लैक बक। परीक्षाओं के अंदर याद रखिए, इस तरीके के सवाल जरूर आते हैं। जैसे एसएससी में पूछा था कि जो रूस के अंदर विश्व कप फुटबॉल आयोजित किया जाने वाला है, उसके शुभंकर के रूप में किस पशु को का नाम को शुभंकर के रूप में इस्तेमाल करें। केवल नाम ही नहीं, उसके बारे में भी पूछा जाता है कि यह पशु कौन सा है, या जैसे हम कहें यहाँ ये पक्षी कौन सा है। इसके बाद इन प्रतियोगिताओं के अंदर जो परिणाम रहे, उस परिणाम के अंदर पहला स्थान, जो अगर हम पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका के अंदर पहला स्थान हरियाणा का रहा, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान दिल्ली का, और उत्तर प्रदेश का स्थान छठा उत्तर प्रदेश का रहा। इसमें पदक तालिका में, जैसे मैंने पदक तालिका के अंदर जो पदक दे रखे हैं उनमें सबसे ज्यादा पदक जो है हरियाणा ने, 102 पदक। हालांकि अगर पदक की बात करें संख्या की तो महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा है, लेकिन इनके जो गोल्ड मेडल है, यानी कि जो स्वर्ण पदक है, उस मामले में हरियाणा ने बाजी मारी, हरियाणा के 38 और महाराष्ट्र ने केवल 36 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो स्वर्ण पदक अधिक प्राप्त करने के कारण हरियाणा का प्रथम स्थान रहा। और प्रतियोगिता के आखिरी दिन की जो खेल आयोजित किए गए उसके अंदर
हरियाणा ने महाराष्ट्र को पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि कुल संख्या की बात करेंगे तो पहला महाराष्ट्र के ज्यादा है। और यूपी की बात करेंगे, यूपी की हम बात करते हैं तो 62 पदक के साथ में यूपी का छठा स्थान रहा। तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम बात करें यूपी की परीक्षाओं की, तो यूपी की परीक्षा में संभवतः ये सवाल आ सकता है। और ओवरऑल कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी का एग्जाम है या समीक्षा अधिकारी का, पीसीएस का है, उसमें इनसे जुड़े हुए कोई भी सवाल जो है वो जरूर पूछे जा सकते हैं। ये तो इसको आप चाहे सेव कर लीजिए, और मैं प्रयास करूंगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो एनिमेशन होता है उसके अंदर ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराता रहूं। एक बार आप मेरा लेक्चर सुनेंगे और उसके बाद व्हाइट बोर्ड एनिमेशन जो मैंने एक डाला हुआ, जिसे आपने देखा होगा करंट अफेयर्स, उस तरीके का मैं प्रयास करूंगा आपको उपलब्ध कराने का। दूसरी प्रतियोगिता है जो है अंडर 19 विश्व कप का आयोजन किया गया हाल ही में न्यूजीलैंड के अंदर, और ये भारत के लिए बड़ी खुशखबरी इसलिए रही क्योंकि भारत के इन युवा खिलाड़ियों ने चौथी बार विश्व कप जीतकर ये रिकॉर्ड बनाया। तो अगला है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018, इन खेलों का आयोजन न्यूजीलैंड के अंदर किया गया और इस बार भारत ने फाइनल मैच के अंदर फाइनल खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। भारत ने चौथी बार इस प्रतियोगिता को जीतकर रिकॉर्ड बनाया, इससे ज्यादा और 3 बार जीतने का रिकॉर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया के नाम है। तो भारत ने इस बार 4th बार ये प्रतियोगिता जीती है, और इससे पहले भारत ने 2000, 2008 और 2012, तो ये चार प्रतियोगिताओं के साथ भारत ने सर्वाधिक बार अंडर 19 विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है जिसने इन प्रतियोगिताओं को 3 बार जीता है। भारतीय क्रिकेट टीम के जो कोच हैं, कोच राहुल द्रविड़ जी हैं और कप्तान थे पृथ्वी शॉ। जो फाइनल मैच है उसके अंदर फाइनल में मैन ऑफ द मैच ये मंजोत कालरा और इसमें मैन ऑफ द सीरीज वो बनाए गए शुभम गिल। ये मेरे ख्याल से जितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत ने इससे पहले कितनी बार जीता है या इसमें कोच कौन है, या सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जो है किस भारतीय खिलाड़ी ने प्राप्त करा। इस प्रतियोगिताओं में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का जो रन बनाए हैं इस बार शुभम गिल ने, और इसके अलावा कई अर्धशतक बनाकर उन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा और जो खेल है उसके अंदर खेल प्रतियोगिताओं के अंदर बाकी चीजें जो है खेल की वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा, या लगे हाथ अभी कर लेते हैं जो जो पॉइंट्स हैं। जैसे अभी हाल ही में आईसीसी, यह है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जो क्रिकेट खेल से जुड़ी हुई सर्वोच्च संस्था है, जिसके अध्यक्ष या स्टैंड चेयरपर्सन है शशांक मनोहर जो भारतीय हैं। तो आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर हाल ही में इन्होंने एक नए पद का गठन किया है, महिला निदेशक का, यानी कि वुमेन डायरेक्टर के पद का इन्होंने हाल ही में निर्णय लिया है कि उस पर नियुक्ति की जाएगी, और प्रथम महिला निदेशक के लिए उन्होंने भारतीय मूल की एक प्रमुख व्यक्ति को इसका निदेशक बनाया है, जिनका नाम है
इंदिरा नुई, इनके बारे में आप जानते हो। इंदिरा नुई पेप्सी कंपनियों की सीईओ है, पेप्सी कंपनी जो है इसलिए ये खबरों में भी रहती हैं। और अगर भारतीयों की बात करें या भारतीय महिलाओं की बात करें जो दुनिया भर के अंदर विख्यात है, उनमें इनका अग्रणी स्थान है। ये खबर इंपॉर्टेंट रहेगी। इससे पहले जो कई खेलों के अंदर जब कभी भी किसी महिला की भागीदारी हुई है तो उससे संबंधित सवाल परीक्षाओं के अंदर इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसमें एक भारतीय खिलाड़ी का नाम है जिनका नाम है हरमनजीत कौर। अगला जो हमारा क्रिकेट से जुड़ा हुआ आ सकता है वो एक महिला खिलाड़ी का नाम है, हरमनजीत कौर। ये जैसे आपको याद होगा 2017 में महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था जिसमें भारत को इंग्लैंड ने फाइनल में हरा दिया। तो फाइनल मैच के अंदर जिस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने इसके अंदर इस पूरी प्रतियोगिता में जो बेहतर प्रदर्शन किया था उसमें हरमनजीत कौर का नाम आता है। ये पहली भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बन गई है जिसको ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश के अंदर शामिल, ऑस्ट्रेलिया की एक लीग होती है क्रिकेट लीग बिग बैश, उस बिग बैश के अंदर शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई है। बिग बैश लीग में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला होने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी। इसके अलावा एक गाड़ी बनाने वाली एक कंपनी है सीएट, तो सीएट कंपनी या जैसे वो टायर बनाने वाली कंपनी है सीएट की, तो सीएट के लिए विज्ञापन का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली विज्ञापन अनुबंध प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई है। तो ये जरूर ध्यान रखिए। तो इससे संबंधित जो पॉइंट्स थे वो एक तो ये मैंने आपको कराए। इसके अलावा जो खेल प्रतियोगिताएं हैं, खेल प्रतियोगिताओं में आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन का जिक्र भी आएगा, तो इनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को शुभकामना और साथ ही प्रभु को धन्यवाद कि उसने मौका दिया ताकि मैं आप लोगों को संबोधित कर सकूं।